हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिलीवरी के बाद जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारे साथ होनी ही चाहिए। ये टॉपिक जो है मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जब मेरे डिलीवरी का टाइम था तो मैंने जो है काफ़ी लिस्ट प्रिपेयर की थी कि डिलीवरी के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने लिस्ट बनाई थी पर उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक या दो चीज़ें ऐसी मुझे लगी कि ये मेरे पास और होनी चाहिए और फिर मैंने जो अपने फैमिली मेम्बर से कहकर मंगाई थी। तो जो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो कि अभी मदर बनने ही वाली हैं, तो ताकि उनका जो डिलीवरी के बाद का पीरियड है वो स्मूथ बीते। चाहे आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हो चाहे नॉर्मल हो, इन चीज़ों की ज़रूरत जो है हर मदर को पड़ती है। और उन मदर्स के बारे में बोलना चाहूँगी जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं मुझसे जो है कनेक्ट कर पाएंगी, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि हाँ जो है इन चीज़ों की ज़रूरत जो है हमें उस टाइम में पड़ी थी। और इन केस अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ी थी, ताकि उन सभी मदर्स की हेल्प हो सके जिनकी डिलीवरी अब होने ही वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहली चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि आपको जो है कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, यानी कि जो कपड़े आपको आराम दें, कॉटन के कपड़े, ढीले कपड़े, जिससे कि जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, इस टाइम पे जो है हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा, तो ये नहीं करना है, हमें ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद जो हमें सर भी कवर करके रखना होता है, तो सर के लिए आप अपने कैप लेके रखिए। अगर ठंड में आपकी डिलीवरी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, या जो भी चीज़ें उस टाइम पे ठंड के लिए ज़रूरी हैं वो अपने साथ जो है आप ज़रूर रखिए। इसके अलावा जो है आप डिलीवरी के बाद जो है अपने साथ हमेशा एक कपड़ा ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा हो जाता है बहुत बार के रिलेटिव्स हमसे मिलने आते हैं और हम सबके सामने जो है फीड कराना नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम के लिए अपने आपको थोड़ा सा कवर करने के लिए बेबी के साथ आप होते हैं तो उसके लिए आप अलग से अपना एक दुपट्टा या कोई भी ऐसे कॉटन की चीज़ रखिए जिससे कि आप अपने आप को कवर करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैटरनिटी पैड्स। आपको पता ही है डिलीवरी के बाद जो है जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ लेडीज़ को एक महीने तक होती है, कुछ को दो महीने तक होती है, पर जो डिलीवरी के बाद का पीरियड है वो हमें नहीं पता होता कि ब्लीडिंग कितने टाइम तक होने वाली है, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आप जो है अपना एक स्टॉक बना लीजिए पैड्स का, और पैड जो है मैटरनिटी पैड्स रखिए, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो नॉर्मल जो पैड्स हैं वो काम नहीं आते हैं, तो जो स्पेशली मैटरनिटी पैड्स बने होते हैं इस टाइम के लिए वो खरीद के अपने पास जो है रख लीजिए। तीसरी चीज़ है नर्सिंग ब्रा, यानी कि डिलीवरी के बाद के लिए आपको जो है पहले ही 3-4 एक्स्ट्रा ब्रा आपको खरीद के रख लेनी है, और वो भी जो उनका साइज़ है वो जो है एक दो साइज़ बड़ा होना चाहिए, जो साइज़ आपका डिलीवरी के एंड वाले फेज़ में था उससे एक दो साइज़ जो है बड़ा लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है ब्रेस्ट मिल्क बनने लग जाता है तो आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, तो जो पुराने ब्राज हैं वो आपके काम नहीं आएंगे, तो पहले से ही एक्स्ट्रा ब्रा जो है आपको खरीद के रख लेने हैं। नेक्स्ट चीज़ है अंडरगारमेंट्स, यानी कि डिलीवरी के बाद के लिए आपको जो है 5-6 एक्स्ट्रा अंडरवेयर्स आपको रखने हैं, और वो भी कॉटन के, क्योंकि उस टाइम पे जो है हम एक तो स्टिचेस लगे होते हैं तो उस टाइम के लिए आपको अलग से ऐसे अंडरवेयर यूज़ करने पड़ेंगे जो कि जैसे कॉटन के हों, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह ना हो, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जो है जो हाई वेस्ट अंडरवेयर्स आते हैं आप वो ले लीजिए, क्योंकि आपके स्टिचेस पे ना आए, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो 5-6 एक्स्ट्रा अंडरवेयर्स आपको लेके रखने हैं। और इसके अलावा जो है आप कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ कीजिए और एक दो साइज़ बड़ा ही लीजिए, ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइट ना फील हो और उससे कोई अनकंफर्ट ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, काफ़ी लेडीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, उन्हें बाद में जो है प्रॉब्लम होती है और फिर वो पूछते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे दूर किया जाए। स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने का और या फिर स्ट्रेच मार्क्स कम हो, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं आपको उसी टाइम से जो है स्ट्रेच मार्क क्रीम या फिर जो कोकोनट ऑयल है वो अपने पेट पे लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में क्या था कि मैंने जैसे ही मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था तो मैंने सेकेंड मंथ से ही बायो ऑयल लगाना शुरू कर दिया था, और वो बायो ऑयल पूरी प्रेगनेंसी में लगाती रही, और डिलीवरी के बाद भी मैंने आई थिंक 15 दिन के बाद से
ने पेट पे बायो ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप बायो ऑयल लगाना नहीं चाहते हैं तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं और धीरे धीरे जो है उस पर आप पेट पे लगाते रहिए। पूरी प्रेगनेंसी में आपको लगाना है और डिलीवरी के बाद भी आप लगाते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट जो है, एक तो उस पर मॉइस्चर की कमी नहीं होगी और स्ट्रेच मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो आपको जो है ये डेली लगाना है, दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है ब्रेस्ट पैड। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब जैसे डिलीवरी होती है तो हमारा ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाता है और स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है और हमारा बेबी जो है अभी इतना ज़्यादा दूध नहीं पीता है। तो इस केस में हमारी जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी हैवी होने लग जाती हैं और वो जो है लीक करने लग जाती हैं। तो हम जो है ऐसे एम्बेरसिंग सिचुएशन में नहीं आना चाहते हैं कि लीकेज हो रहा है और मतलब वो शो होगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ब्रेस्ट पैड आते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्रेस्ट पैड यूज़ किए थे और इसको जो है लगाना भी काफ़ी ईजी होता है और ये जो है आपके जो वो मिल्क है इसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब सोख लेगा और काफ़ी ज़्यादा जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को वो नहीं होगी। तो आप अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या अगर इनकेस हो गई है और आपको नहीं पता था इनके बारे में, तो प्लीज़ आप ब्रेस्ट पैड ले सकते हैं अगर आपको ये लीकेज प्रॉब्लम हो रही है। तो ब्रेस्ट पैड के बाद जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बाद में मंगानी पड़ी, जिसकी मुझे बाद में ज़रूरत महसूस हुई, तो वो कौन सी चीज़ थी? वो थी ब्रेस्ट पम्प। जैसे कि ये ब्रेस्ट पम्प है, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने डिलीवरी के आई थिंक 4th या 5th डे ही मुझे मंगाना पड़ा था, क्योंकि मेरी जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं ले रही थी और मेरी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। तो मैंने जो है ब्रेस्ट पम्प मंगाया जिससे कि मैं जो अपना मिल्क है वो पम्प आउट करा मैंने, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन ना हो। और अब जो है मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेबी के लिए बॉटल शुरू की है, तो इसके थ्रू मैं दूध निकाल के जो है अपने बेबी के लिए स्टोर कर देती हूँ और उसको फिर बॉटल के थ्रू देती हूँ ताकि उसको बॉटल की आदत हो जाए। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करूँगी, मैं इसके लिए अलग से वीडियो ला रही हूँ, मैं उसमें अलग से बताऊँगी कि ब्रेस्ट पम्प को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टरलाइज करते हैं और अगर आपको अपने बेबी को जो है दूध उसमें स्टोर करना है तो किस तरीके से करना है, तो इसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से फिर क्लियर करूँगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो होती है कि जो निप्पल्स हैं, जब बच्चा दूध पीता है तो निप्पल्स में जो है काफ़ी क्रैक हो जाते हैं और काफ़ी पेन हमें होने लग जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है हम निप्पल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, निप्पल बटर आता है वो लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा पेन होता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, तो कोकोनट ऑयल भी अच्छा ऑप्शन है, आप वो लगा सकते हैं। मेरे केस में मैंने जो है ममा अर्थ का निपल बटर आता है, मैंने वो यूज़ किया था और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ था। वो नेचुरल है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स नहीं है, तो मेरे लिए पर्सनली वो काफ़ी अच्छा था। और ये ध्यान रखें, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो पहले उसको पोंछ लें और उसके बाद जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। नेक्स्ट चीज़ इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें बॉटल्स अपने साथ रखनी है। मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने बेड के साइड में ही जो मेरा बेड कॉर्नर है इस पे ही मैं ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें अपनी रखती रहती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा भागना ना पड़े या किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए बुलाना ना पड़े। मैंने जो एक मिल्टन का फ्लास्क रखा था जिसमें कि मैं अपनी मदर इन लॉ से पानी गर्म करवा के उसमें रख लिया करती थी, ताकि उन्हें बार बार गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बॉटल में मैं सिंपल पानी भी रखती थी, बॉइल्ड वाटर, ताकि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गर्म पानी लग रहा है तो मैं उसको मिक्स करके उसको पी सकूँ। तो आप अपने साथ 2 बॉटल रखिए, एक में जिसमें कि मिल्टन फ्लास्क टाइप जिसमें पानी गर्म रहे या थोड़ा सा वार्म वाटर रहे और उसको आप पी सकते हैं, और एक ठंडे पानी की बॉटल इनकेस आपको मिक्स करने की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो बॉटल आपको अपने साथ ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आसपास जहाँ पर आप आसानी से जा सकें उस जगह आप अपना एक बॉक्स तैयार करके रख लीजिए, जिसमें वो सारी मेडिसिंस हों जो कि आपको डॉक्टर ने लेने के लिए कही हैं या डिलीवरी के बाद जैसे कैल्शियम आयरन वगैरह जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप अपने साथ रखें, ताकि आपके लिए उसको लेना ईजी हो। आप चाहे तो रिमाइंडर भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, ताकि आप वो स्किप ना करें। और इसके अलावा जो है आप अपने साथ कुछ स्नैक्स भी ज़रूर रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें रखिए ताकि आपको कभी भूख लग रही हो तो आप जो है खा सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी फैमिली मेम्बर्स हमारे आसपास नहीं होते हैं और हमें जो है भूख लग रही होती है, तो उसके लिए जो है अपने साथ कुछ भी आप रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मखाने फ्राई करके रख लिए, कुछ भी जो है आपको अपने साथ रखना है ताकि जब भी आपको भूख लगे तो आपको ले सकें।
तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ ऐसी लिस्ट जो कि डिलीवरी के बाद जो है मदर्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत उनकी पड़ती है, और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी और मैंने इस पीरियड को जो है काफ़ी अच्छे से स्मूथली इंजॉय किया क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल थी। तो आप प्लीज़ इनकी जो तैयारी है पहले से ही कर लीजिए ताकि आपके भी डिलीवरी का बाद का जो पीरियड है वो काफ़ी स्मूथ बीते। और जिनका बेबी हो गया है मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिलीवरी के बाद जो है काम आ जाती हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको इनसे जो है अपने डिलीवरी के बाद के पीरियड में कोई भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।